अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आसिफ खान, आप लोग का भाई यार दोस्तों। आज हम अपने कोरी लोग का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग लड़कों से रोज़ों के हवाले से पूछेंगे कि लड़के इस सुहाने मौसम में रोज़े रख रहे हैं या नहीं। बहुत से लोग, मुझे उम्मीद है, इस मौसम में भी नहीं रखते। शर्म करो, शर्म। सो मैं उनको, खैर अब उनसे सवाल जवाब करेंगे कि वो क्यों नहीं रखते। वो जो रख रहे हैं उनको जो है ना इस मौसम में रोज़े रखने का कितना मज़ा आ रहा है। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट आते रहे। हम लोगों ने एक और भी चैनल बनाया हुआ है, जिसका नाम पहले F1 फिल्म हुआ करता था, अब हम लोगों ने उसका नाम चेंज करके मुल्तान वाइंस रख दिया है। सो उसका लोगो हम इधर कॉर्नर में दे देंगे और उसका लिंक हम लोग उधर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सो आप लोग हमारे उस चैनल को भी सपोर्ट करो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप, उसमें हमारी शॉर्ट वीडियोस होती है। इधर काफी लोगों को गिला शिकवा हुआ करता था कि हमारे इस चैनल की जो वीडियोस होती है वो बड़ी होती है। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम गुड। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? फाइन, व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो गुड। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। आप खुश हो? गुड। आप खुश हो? आप खुश हो? आप खुश हो? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो। आप ये बताओ कि इस दफा रोजा बड़े जबरदस्त मौसम में, तो आप इस हवाले से क्या कहोगे, आप रोजे रख रही हो या नहीं? रोजे रख रहे हैं बिल्कुल। वाओ, वेल डन। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जिसको तौफीक दे वो रोजे रखता है। और मैं एक बात जो रोज़ों के बारे में कहना चाहूँगी, खास तौर पे जो लोगों को एड्रेस करने के लिए, कि आप लोगों को पर्सनली लोगों से नहीं पूछना चाहिए कि उन्होंने रोज़ा रखा है या नहीं। यू आर राइट, यू आर राइट, बात तो सही है। और बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, खास तौर पे ऐसे सोशल सेटिंग्स में, लड़कियों से खास तौर पे नहीं पूछना चाहिए। नहीं, लेकिन हमारा तो काम ये है ना। जी जी जी, हाँ, मैं आपको नहीं कह रही, मैं जनरली बात, वैसे पूछना नहीं चाहिए किसी से, किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि आप नमाज पढ़ती हो, रोजे रखती हो, क्योंकि वो अल्लाह और वो बंदा जाने। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। सो हम कोई नहीं होते किसी से सवाल पूछने वाले। तो इस मौसम में रोजे का मतलब, पिछले मौसमों से आप कंपेयर करो तो इस दफा रोजा आसान है, आप क्या कहती हो? हाँ, काफी आसान है, क्योंकि प्यास नहीं लगती ज्यादा मुझे, तो वैसे नहीं लगती। ओह माय गॉड। और वैसे यूनिवर्सिटी आना होता है, क्लासेस लेनी होती है, वो भी काफी इजी है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। और इस दफा मौसम बहुत शानदार है। हाँ, बारिश होती रहती है, विच इज नाइस। इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। तो आप ये जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में लड़के बहुत से लोग हम देख रहे होते हैं, वो कहना तो नहीं चाहिए वो रोजे नहीं रखते। हम अभी भी, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो सामान खा रहे थे, कोई क्या, कोई पानी पी रहा था, कोई कुछ खा रहा था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगी? उनको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर खाना पीना है तो अपने घर तक महदूद रखें, ठीक है। रोज़ा रखें ना रखें वो उनका अपना मामला है, लेकिन अगर और लोगों ने आज सराउंडिंग्स में रखा हुआ है रोज़ा, तो फिर उनके सामने ना पर्दा करना चाहिए थोड़ा। हाँ, बिल्कुल। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, वेल डन, आप बहुत अच्छा बोली हो। आप चैनल फ्रेंडोग्राफी के लिए क्या कहोगी कि लोग चैनल फ्रेंडोग्राफी को क्या करें? चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, एंड ही इज अ वेरी गुड गाय। सही बात है। एंड दीस गाइस आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर खुशी हुई। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। कुछ नहीं होंगे हम, जबरदस्त, क्योंकि रोजा इतने प्यारे मौसम में, आप इस हवाले से क्या कहोगे, आपको खुश होना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। हाय, ओके, यू आर राइट। लेकिन इस मौसम में भी बहुत से लोग नहीं रख रहे, आप उनको क्या मतलब पैगाम दोगे? बस अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, ये कह सकते हैं, इसके अलावा कुछ और कुछ नहीं कह सकते। ये बातें बताई नहीं जाती। हर बंदे का अपना ईमान होता है, कोई गर्मी में रोजे रख लेते हैं, मजदूरी करते हैं, रोजे रखते हैं, कोई इतने अच्छे मौसम में रखते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कुछ अभी जून जुलाई में जब रोजा हुआ करता था, लोग उस मौसम में भी रखते थे, हम देखते थे वो मजदूरी कर रहे होते। इधर यूनिवर्सिटी में अच्छे घरानों से लड़के आते हैं, कोई पिज्जा खा रहा होता है, कोई पता नहीं क्या खा, कोई सिगरेट पी रहा होता है, कोई अपनी दोस्त के साथ बैठा पानी पी रहा होता है, मतलब ये चीज मुझे समझ नहीं आती, कितनी बुरी बात है ये।
शर्म करो, शर्म गलत है ये टोटली। यहाँ पे फूड आइटम बैन हो जाएगा रमजान के अंदर, और इन लोगों को थोड़ा सा पर्दा करना चाहिए क्योंकि इधर बहुत से लोग रोजा रखते भी है। हाँ जी, बिल्कुल ये और कोई जो है ना नहीं रखता, बिल्कुल आप रोजे आप खुद को तो उतना नहीं, दूसरों के रोजे खराब कराते हैं फांसी फैला के। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा फांसी भी होती है और भी बहुत सारी चीजें, मतलब खाना पीना, मतलब उठना बैठना। रमजान शरीफ में इस चीज को जो है ना थोड़ा सा तर्क करना चाहिए। नहीं हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बना रुक जाना चाहिए ऐसे बिल्कुल कामों से। ये बताओ, मैंने सुना है आप हाफिज़े कुरान भी हो, ये सच है? जी जी बिल्कुल। माशाल्लाह, तो आप तरावीक पढ़ाते हो? जी, तरावीक पढ़ा रहा हूँ। या पीछे जो कारे साहब का खड़ा होता है वो गलती होती है? सामे कहते ना उसे, क्या कहते हैं? सामे। अच्छा, लेकिन मैं तरावीक पढ़ाते भी हूँ, सामे भी हूँ, मतलब रोज डेढ़ से बारह पढ़ते हैं तो आधा पढ़ा लिया आधा फिर दूसरा लड़का पढ़ा लेते हैं, डिवाइड करके पढ़ लेते हैं। क्या बात है, वेल डन वेल डन। आपसे मिलकर खुशी हुई। आप हमारे चैनल फ्रेंडोग्राफी के लिए क्या कहोगे कि लोग इस चैनल को क्या करें? इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि भाई जो मेहनत कर रहे हैं उसका सिला भाई को मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर खुशी हुई। थैंक यू, थैंक्स, लव यू। आप इस मौसम में रोजे रख रहे हो या टूस रहे हो? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं पंजाबी वाले, पठान जाने रमजान जाने, पंजाबी कहते हैं कि पठान जाने रमजान जाने, चाहते हैं कि पठान जाने रमजान जाने, इसमें कितनी हकीकत है? ये तो हकीकत है, ये तो मैंने अजमाई हुई बात है। पठान ये नहीं कहता, पठान ये नहीं कहता, पठान हर मौसम में रोजे रखते हैं। अच्छा, बोलता हम रोजा नहीं छोड़ेगा, मर जाएगा रोजा नहीं छोड़ेगा। अच्छा, वेल डन। तो आप इस मौसम में वो जो लोग रोजे नहीं रखते, इस मौसम में भी बहुत से लोग बहुत से नालायक रोजे नहीं रख रहे, उनको आप क्या सजेस्ट करोगे कि वो क्या करे? दरअसल ये उनके माइंड पे डिपेंड करता है, वो घर में तो रोजे रख लेते हैं, फिर बाद में यूनिवर्सिटी आके वो तोड़ लेते हैं। तुम गांडू हो, तुम पांडी। अच्छा, वो घर वाले को पता ही नहीं चलता कि अच्छा कि इन्होंने रोजा रखा हुआ है। फिर यहाँ से जब जाते हैं घर में सो जाते हैं, फिर से अफतारी के लिए उठ जाते कहते हमारा तो रोजा है, प्यास श्यास लगी है। हाँ, यही चलता रहता है यूनिवर्सिटी में। अच्छा, नहीं तो ये तो फिर बहुत गलत बात है, मतलब वो बड़े मैच्योर लड़के होते हैं पढ़े लिखे, वो अगर इस तरह करेंगे फिर वो जो बच्चे हैं या जो बच्चों से तो खैर गिला नहीं है, जो अनपढ़ है उनसे तो फिर हम गिला नहीं कर सकते ना कोई। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। आपने मतलब इस दफा रोजे को आसान पाया या मुश्किल? नहीं नहीं, इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह रोजे बड़े आसान है पिछले साल से, क्योंकि इस साल बड़ी बारिश हुई है। अच्छा, तो मौसम थोड़ा ठंडा है। बड़ी ठंड होगी यार, बड़ी ठंड होगी है। आज भी मौसम बड़ा सुहाना है। मौसम बड़ा प्यारा है मौसम में। Nice, A1, very cute, beautiful. आप हमारे चैनल को देखते हो फ्रेंडोग्राफी को, इसमें आपको कौन सा डायलॉग ज्यादा पसंद है? इसमें एक डायलॉग है, खुश हो, बड़ा प्यारा डायलॉग है और मुझे वो बड़ा पसंद है। खुश हो, शट अप। मैं खुश हूँ, आपको भी खुश होना चाहिए क्योंकि मौसम बड़ा जबरदस्त है। आप हमारे चैनल फ्रेंडोग्राफी के लिए क्या कहोगे? यही ये बहुत जबरदस्त चैनल है और बहुत फनी भी है। अच्छा, मैं यही कहता हूँ कि इनको लाइक करो, फॉलो करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर खुशी। थैंक यू, थैंक्स, लव यू। मैं खुश हूँ, जिंदगी हो तो ऐसी हो। ये बताओ, रोजे रख रहे हो या नहीं? सारे क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? थोड़ा जोर से बोलो स्पीकर। हाँ, स्पीकर आवाज में। अच्छा ठीक है, थोड़ा जोर से बोलो। अच्छा, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोजे रख रहे हैं। वेल डन। इस मौसम में बहुत से लोग रोजे नहीं रखते, इतना खूबसूरत मौसम है, आप उनको क्या मतलब पैगाम दोगे? बस ईमान की कमजोरी है उनकी, और क्या कहें, अल्लाह पाक उनको तौफीक दे, हम तो यही कहेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा, नहीं तो मतलब इतना खूबसूरत मौसम, बहुत से लोग मैंने जून जुलाई में जब रोजे हुआ करते थे वो लोग काम भी करते थे, वो रोजे भी मतलब वो लोग नहीं छोड़ते थे। अब बहुत से अच्छे घरानों से लोग आ रहे होते वो ये रोजे नहीं रख रहे हैं, ये तो ईमान की कमजोरी है। ईमान की कमजोरी से भी आगे बढ़ो, कुछ और भी बात करो। क्या बोल।
अभी हम ये तो उनको रखने चाहिए ना सबको रोजे। हम भी रख रहे हैं, आप भी रख रहे हो, ये हमारे सारे भाई खड़े हैं, ये भी रख रहे हैं सारे रोजे। नहीं, जिनमें इनके माँ बाप का कितना कसूर होता है, क्योंकि अच्छे घरानों से उनका ताल्लुक होता है, माँ बाप का कसूर होता है। माँ बाप तो नहीं रखवा सकते ना उनको, अभी जो नौजवान बालिग जो रोजा रखना जिस पे फर्ज है उसको खुद चाहिए। माँ बाप ने उनको बचपन से आदी नहीं किया ना इस चीज का। माँ बाप ने कहा मेरा बच्चा कमजोर हो जाएगा, बच्चा 18 साल का 20 साल का हो गया अभी वो बिगड़ा हुआ है, गजब बेइज्जती है, अभी तक वो कमजोर हो जाएगा। ये तो फिर उसके अपने अमाल है कमजोर है वो। कैसे अमाल की बात कर रहे हो आप? हम समझ रहे हैं जिन अमाल की बात कर रहे हो। वही है ना, आप समझ रहे हो तो फिर आप मुझसे ज्यादा समझदार हो। आप समझ रहे हो पापा। वेल डन, आपसे मिलके खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। आप हमारे चैनल के लिए क्या कहोगे कि लोग इस चैनल को क्या करें? इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे प्रमोट करें। थैंक यू सो मच, आपसे मिलके खुशी हुई। थैंक्स, लव यू। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा, आप लोगों ने जो है ना पूरे वीडियो को देखा होगा। आप लोग इसी तरह हमारे वीडियोस को पूरा वॉच करते रहो, सपोर्ट करते रहो हमें। हम लोगों ने एक और भी चैनल बनाया हुआ है जिसका नाम पहले फन फिल्म हुआ करता था, उसका नाम हम लोगों ने चेंज करके मुल्तान वाइंस रख दिया है। तो आप लोग हमारे उस चैनल को भी सपोर्ट करो, उसमें हमारी शॉर्ट वीडियोज़ होती है। जिन लोगों को गिला शिकवा हुआ करता था कि इस चैनल की वीडियोज़ बड़ी होती है, वो हमारे उस चैनल को जो है ना वो इंजॉय कर सकते हैं। और इधर लड़कों ने कहा कि मतलब हम लोग रोज़े रखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, और जो लोग नहीं रखते उनको रोज़े रखने चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त मौसम है और रोज़े में जो है ना वो मुसलमान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ये एक ऐसा महीना है जिसमें शैतान वो कैद हो जाता है। सो आप लोगों से मिलके खुशी हुई, आप लोग हमें इसी तरह प्यार करते रहो, बिकॉज वी आर इनिशिएटर। थैंक यू सो मच, लव यू।